नामकरण शो की अगर हम बात करें तो इस शो को लेकर फैंस एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अवनी और नील की जोड़ी आप लोग को देखने को मिली थी। नील और अवनी को इतना ज़्यादा पसंद किया गया है कि इन दोनों को एक साथ ही देखना चाहते हैं फैंस। और उनके अलावा इन दोनों की जोड़ी अगर किसी अदर एक्ट्रेस या अदर एक्टर के साथ में देखने को मिलती है तो फैंस को वो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है जो कि ये दोनों साथ में जब देखने को मिले थे तब मिला था। यही वजह है कि नील और अवनी को लेकर एक्साइटमेंट बहुत सालों से लंबे टाइम से चल रही है, डिमांड चल रही है फैंस की कि शो का सीज़न रुकाना चाहिए। काफ़ी टाइम बीत चुका है लेकिन अभी तक शो का सीज़न 2 देखने को मिला नहीं है। स्टार प्लस पर ये शो नज़र आया था, फैंस तभी से लगातार निगाहें टिकाए हुए हैं। अभी देखते हैं कि किस तरीके से जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें अवनी यानी कि अदिति राठौर के बारे में, इस शो के बाद से वो कहीं कुछ खास ऐसा देखने को मिली रही हैं। इसके अलावा जैन इमाम की बात करें तो वो इस शो के बाद से कई सारे प्रोजेक्ट में एज अ लीड नज़र आए हैं लेकिन फिर भी उनका रिस्पांस जो अवनी के साथ यानी अदिति राठौर के साथ देखने को मिला है ऑडियंस का, वो रिस्पांस किसी अदर एक्ट्रेस के साथ देखने को नहीं मिला। यही वजह है नामकरण शो के सीज़न 2 में लोग इसी जोड़ी को देखना चाहते हैं। अगेन एक बार फिर से सीज़न 2 की डिमांड चल रही है और जहां पर इसी जोड़ी को लेकर लोग एक्साइटेड हैं, अदर जोड़ी अदर एक्ट्रेस को अदर एक्टर को नहीं देखना चाहते। अब देखते हैं मेकर्स सीज़न 2 में स्टारकास्ट चेंज करते हैं या फिर इसी स्टारकास्ट को लेकर एक बार फिर से नज़र आते हैं। चांसेस हैं कि आपको एक बार फिर से स्टारकास्ट देखने को मिल पाएगी क्योंकि सीज़न 1 सुपर डुपर हिट गया था, तो ऐसे में चांसेस हैं कि एक बार फिर से आपको एंटरटेन करने के लिए ये जोड़ी नज़र आ सकती है। अब वक्त बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है क्योंकि क्लियर नहीं है अभी कुछ, तो ऐसे क्लियर कहना मुश्किल होगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है। फैंस की एक्साइटमेंट लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है, डिमांड लगातार फैंस कर रहे हैं, जिस वजह से खबरें भी सामने आ रही हैं कि नील और अवनी एक बार फिर से आपको एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं स्टार प्लस पर। जी हाँ, स्टार प्लस का ये शो रहा है और स्टार प्लस के कई सारे शो ऑन एयर होने वाले हैं 2024 में। यही वजह है कि शो को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। अब देखते हैं कि सीज़न 2 क्या कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आने वाला है आप लोग के लिए। ज़रूर एक्साइटमेंट बताना है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।